सो फाइनली गाइस, हम लोग के चैनल में 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मतलब 4 साल मुझे लगे मतलब यूट्यूब पे ग्राइंड करने में, और मेरा पहला चैनल है ये जो 100 के सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे चैनल को 1 साल भी नहीं हुआ तो 4 साल का ग्राइंड कैसे। तो मैं अपनी इसी जर्नी को आप लोगों को 5 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब ये कि मैं अपने 4 साल की जर्नी आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये बात है मेरी 8th क्लास की, जब हम लोग कुछ दोस्त मिलके सोचे थे कि यूट्यूब चैनल खोलेंगे। तो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल तो खोल लिया था, बट उसमें कंटेंट हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या डालना है। तो हम लोग ऐसे कुछ एनिमे वनिमे उठा के उसमें अपलोड कर देते थे, जो कि हम लोग जानते थे कि दूसरे का टॉपिक है, फिर भी हम लोग ऐसा करते थे। बट कुछ दिन तक चला, मगर बहुत लोग हम लोग के दोस्त थे वो लोग ने छोड़ दिया यूट्यूब, मतलब हम लोग के साथ डालना बंद कर दिया। और हम लोग, मैं और मेरा एक दोस्त था, वो लोग ही मतलब रहे कि हम लोग डाल रहे थे वीडियो। तो ऐसे कितना दिन चलता, तो हम लोग ने छोड़ दिया वो चैनल। तो मैं और मेरे दोस्त ने वो ग्रुप वाला चैनल छोड़ दिया। और मेरा जो दोस्त था उसको यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि यूट्यूब में क्या क्या होता है, कैसे नहीं होता, और मुझे कुछ पता नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग दोनों मिल के यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त ने मिल के चैनल खोला, उसमें खुद के गेमिंग वीडियोज़ भी अपलोड किए बहुत दिन तक, मगर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिला नहीं। तो हम लोगों को मतलब एग्ज़ाम भी आ गया था, तो हम लोगों को वो चैनल डेड हो गया था। तो मेरे दोस्त ने तो YouTube छोड़ दिया था, बट मुझे था कि अंदर से कि क्यों ना मैं अकेले YouTube में वीडियो डालूं। तो मैं YouTube में वीडियो डालता गया और अपने दोस्त से जो था उससे पूछता गया कि ऐसे कैसे क्या होता है, क्योंकि उसको YouTube के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो ऐसे करते करते मैंने कम से कम 17-18 चैनल्स खोले थे अपने, और कुछ कुछ चैनल तो हैक हो गए, कुछ तो टर्मिनेट हो गए ऐसे ऐसे। बट मेरे अंदर था कि नहीं, यूट्यूबर बनना है। तो मैं अलग अलग चैनल बना के कंटेंट चेंज करता गया और डालता गया था। क्लैश ऑफ क्लैंस, फ्री फायर, इस सब के चैनल मैंने बनाए थे। फ्री फायर कुछ ज़्यादा ही चैनल मैंने बनाए थे, क्योंकि फ्री फायर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और तभी ट्रेंडिंग कर रहा था ये टॉपिक। तो मैंने फ्री फायर में बहुत सारे चैनल खोले थे और उसमें वीडियो डाला था, बट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था वहाँ पर, तो मैंने छोड़ दिया। तो मुझे चेस खेलना भी पसंद था, तो मैंने क्यों चेस का चैनल बनाते हैं, तो मैंने चेस का भी चैनल खोला था, उसे वीडियो भी डाले थे, मगर मुझे वहाँ ऑडियंस मिली ही नहीं, तो मैंने चेस का भी चैनल छोड़ दिया। तो ये सब करते करते मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स मतलब नियर आने लगे, तो मैंने यूट्यूब मतलब छोड़ ही दिया था यूट्यूब को, मतलब अब यूट्यूबर नहीं बनना है, अब यूट्यूब में कुछ नहीं डालना है। तो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया और अपने पढ़ाई में फोकस किया। हम लोगों के फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले थे, बट कोरोना के चलते हम लोग का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेंड हो गया डेट उसका। तो ऐसे करते करते मतलब जून तक एक्सपेंड हो गया था, कि मतलब बताया नहीं गया था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो घर में फ्री बैठे हुए थे, चूंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया था, कुछ करने को था नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक बार यूट्यूब में आया जाए, चूंकि टाइम था मेरे पास। तो सोचा कुछ इस बार रेगुलर वीडियो डालेंगे और अच्छे से करेंगे तो शायद हो सकता है। तो मैंने मतलब एक्सपीरियंस मेरे को हो गया था कि यूट्यूब में क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल खोले थे, उसमें समझा कि एल्गोरिथम वगैरह समझा, और मुझे एक्सपीरियंस हो गया था यूट्यूब का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार स्टार्ट किया जाए। तो मैं ऐसे यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसे चैनल मिले जो लोग सीड्स बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं माइनक्राफ्ट के, और उन लोग के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना भी एक चैनल खोलते हैं और उसमें माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालेंगे। सबसे पहले तो चैनल का नाम डिसाइड करना था, बहुत मुश्किल हो रहा था, चैनल का नाम कैसे डिसाइड करें। तो ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आप लोगों को किसी और स्टोरी टाइम में बता दूंगा इसके बारे में। तो मैंने चैनल बना लिया अनबाउंड स्काई, और वहाँ पर माइनक्राफ्ट के सीड्स डालता था। तो बहुत लोग कमेंट में लिखते थे कि तुम कॉपी कर रहे हो, तो वगैरह वगैरह लिखते थे। तो मगर मुझे फिर सही नहीं लगने लगा, तो मैंने कुछ और नया नया माइनक्राफ्ट के ट्राई किया, जैसे बिल्डिंग करने का, कुछ ये बनाया वो बनाया, तो मैं डालता था। ऐसे करते करते स्टोरी में आता है मेन हीरो, जो कि है हीरोब्राइन SMP। मुझे हीरोब्राइन SMP के बारे में पता चला टोटल गेमिंग की वीडियो से, जो कि टोटल गेमिंग का मैं फ़ैन था, उनकी वीडियो देखा करता था। तो हीरोब्राइन SMP मैं 4 लोग को जानता था बस, जो कि टोटल गेमिंग, यस मार्टीपाई, खतरनाक किसान और उज्जवल हैं, बाकी लोगों को मैं जानता नहीं था तभी। तो यूट्यूब में ऐसे ही देख रहा था, तो बहुत सारे बंदे क्या करते थे कि हीरोब्राइन SMP के क्लिप्स उठाते थे और अपने चैनल में डाल देते थे, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते थे। तो मैंने सोचा वो लोग तो वीडियो डालते हैं ना, तो मैं शॉर्ट्स क्यों ना डालूँ। तो मैं क्या करता था, हीरोब्राइन SMP की कुछ अच्छी अच्छी क्लिप्स को निकालता था और उसको ऐसे शॉर्ट्स अपलोड करता था, क्योंकि लाइव स्ट्रीम सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरी लाइव स्ट्रीम आप देख सको। तो मैं शॉर्ट्स जैसे अपलोड कर देता हूँ कि लोग शॉर्ट्स से देख के ही इंटरटेन हो जाए उनकी। तो मैं ऐसे रेगुलर हीरोब्राइन SMP की शॉर्ट्स डालता था और व्यूज़ आते थे, किसी में नहीं आते थे, बट मैंने अपना कंटेंट को रेगुलर रखा। फिर उसके आगे क्या हुआ मुझे से बताने की ज़रूरत नहीं है, हीरोब्राइन SMP की वीडियो आना ही बंद हो गई, तो क्लिप क्या बनाऊँगा मैं। अब मेरे चैनल में 1 हफ्ता में 1 ही वीडियो आता था, जिसके कारण मेरा चैनल डेड हो रहा था।
अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, चैनल तो डेड हो रहा है, अब कौन सा वीडियो डालें, हिरोमन एसएमबी का तो कुछ आ नहीं रहा है। तो फिर ऐसे ही यूट्यूब में शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था और मुझे दिखा कि कुछ लोग हिरोमन एसएमबी की एडिट्स डाल रहे हैं। एडिटिंग तो मुझे आती ही थी, तो मैंने क्यों ना सोचा कि हिरोमन एसएमबी की एडिटिंग डालते हैं। तो मैंने एडिटिंग डालना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते थे। शुरू में तो नहीं आते थे जो कि मैंने कंटेंट स्विच किया था, फिर बाद में ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, लोग को पसंद आने लगा था मेरा एडिटिंग। तो फिर मैंने सोच लिया कि अनबाउंड स्काई में मैं एडिटिंग ही डालूंगा, बट मुझे गेमिंग करना ही बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने सेकेंड चैनल बना लिया जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं चैनल्स में जाके। तो मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को अपनी जर्नी 5 मिनट बताने की, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अनबाउंड एडिट्स में मैं आज या कल वीडियो अपलोड करूंगा अपने ट्यूटोरियल को लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे थैंक्स फॉर 100K सब्सक्राइबर, कभी सोचा नहीं था ऐसा सब्सक्राइबर मतलब हो पाएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।